सब्सक्राइब जरूर कर दो। हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं पहली बार अपने बुलेट पे घूमने के लिए। दोस्तों आज हम जा रहे हैं कसौली। अभी अभी लॉकडाउन खुला है, मन करा कहीं घूम के आते हैं, तो मैंने सोचा कहीं एक दिन का ही सफ़र कर लेते हैं। यहाँ से हमें कसौली बहुत नेड़े पड़ता है, यहाँ से ही एक दिन का सफ़र आने जाने में हो सकता है। मौसम भी बहुत मस्त है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पहाड़ों का व्यू कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। भाई पहाड़ों में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है, अगर पहाड़ों में जाना हो तो बाइक पे ही जाओ, बड़ा मज़ा आता है, और अगर बुलेट हो तो और भी ज़्यादा मज़ा है। इसकी डुक डुक की आवाज़ पहाड़ों में, वाह वाह क्या आवाज़ आती है। और शिमला की मस्त सड़कें, क्या ब्यूटीफुल सीन है। साइड से ही निकल जाते हैं क्योंकि हमारे पास बाइक है, यहाँ टोल टैक्स सिर्फ कारों बस ट्रकों का ही लगता है। ये यहाँ से हम साइड पर होकर निकल जाते हैं, चलो चलिए आगे।
ये धर्मपुर से मेरे ख्याल 12-13 किलोमीटर है, सिर्फ 20-25 मिनट का रास्ता है ये। अरे भाई साइड पे हो जा, साइड पे। चंडीगढ़ से कसौली लगभग 57 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ आने के लिए अपनी कार, बाइक या टैक्सी करके भी आ सकते हो। यहाँ आने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे बस। ये है कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये बहुत ही फेमस स्कूल है। यहाँ स्टडी करने के लिए स्टूडेंट बहुत दूर दूर से एडमिशन कराते हैं। बारिश हो गया ठीक है ना, देखो सड़क पे कितने पत्थर गिरे हुए हैं। यहाँ पे बाइक भी बड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है, कहीं ब्रेक मारनी पड़ जाए तो दूसरी साइड जा सकती है। चलाते तो यहाँ सब धीरे धीरे हैं, मगर ध्यान से ही चलाना चाहिए। अब हम यहाँ रुकते हैं और कसौली से देखते हैं नीचे का व्यू। ये देखो ये साइड पे बैठे हैं और यहाँ का पूरा आनंद उठा रहे हैं और अपनी गेम्स में मस्त हैं। अच्छा व्यू दिख रहा है, मुझे लगता है परवाणु तक की सड़कें दिख रही हैं यहाँ से। ऐसा व्यू सिर्फ कसौली से ही दिखता है। जिगजैग रोड बना हुआ है। आप अगर चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ आओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये अभी अभी लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। We'll be right back.
पे आने का यही तो फायदा है। अगर जाम लगा हो तो इधर उधर से हम निकल के आगे चले जाते हैं। ये जो सड़क है ना, यहाँ से आप सीधा शिमला का व्यू देख सकते हो। यहाँ से बहुत दूर तक अगर मौसम बिल्कुल साफ हो तो यहाँ से पूरा शिमला दिखता है। अगर मौसम साफ हो तो आप यहाँ पे रुक के जरूर देखना शिमला का व्यू। ये हम पहुंच गए हैं कसौली। यहाँ इतना जाम क्यों लगा हुआ है? अच्छा, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। चलो देखते हैं। पुलिस वाले चेक कर रहे हैं आपका ई पास। आपने ई पास बनवाया हुआ है हिमाचल आने के लिए? वैसे तो एंट्री खुल गई है मगर ई पास बहुत ज़रूरी है। जिसके पास ई पास है उसको ही एंट्री यहाँ पे मिल रही है। कसौली में एंटर होने के लिए आपको ई पास ज़रूरी है। हाँ जी, पटियाला पैक नहीं है। अब ये मुझे जाने नहीं देंगे। भाई आप जब भी आओ यहाँ पे कसौली या कहीं और स्टेशन तो अपना ई पास जरूर बनवा के लाना।